खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सीधे आपको मेरठ लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहां एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। गांव में की जा रही है, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो, आपकी आस्था का सम्मान हो, चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा को कुशलतापूर्वक संपन्न करने का मामला हो या फिर प्रयागराज कुंभ की कुशलतापूर्वक निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करने का मामला हो। पिछली सरकारें आपकी आस्था पर कुठाराघात करती थी, आपको कांवड़ यात्रा नहीं करने देती थी, मां बहनों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य होता था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जैसे देश की सीमाओं की सुरक्षा को पूरी दृढ़ता के साथ 3 स्ट्राइक के माध्यम से, 2 सर्जिकल स्ट्राइक और 1 एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ करके आतंकवाद का समूल नाश पूरे दुनिया के अंदर भारत की सामरिक ताकत का एहसास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर अपराधी सिर चढ़ करके बोलता था, अवैध बूचड़खानों में यहां के लोगों के गाय भैंस बैल बछड़े इन सब को अनैतिक और अवैध तरीके से काटने का कार्य किया जाता था, पहले ही आने के तत्काल बाद किसानों की कर्ज माफी के बाद अवैध बूचड़खानों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ जो सख्ती की कार्रवाई की गई, आज हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए दूसरा कोई सहारा नहीं बचा है। यह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अभी आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक के माध्यम से पहले भी सरकारें थी, हिम्मत नहीं करती थी। याद करिए पुलवामा की घटना के उन शहीदों की शहादत को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले ही दिन कहा था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और आपने देखा होगा 10वें दिन एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में सभी आतंकी शिविरों को नष्ट करके भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनाने का कार्य हुआ था। भारत इसी प्रकार का दृढ़ इच्छा शक्ति का यशस्वी नेतृत्व चाहता है। भारत का सम्मान आज दुनिया के अंदर बढ़ा है, पूरा भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नए दौर में गया है। एक नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जब एक नए दौर की ओर चल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2019 का लोकसभा का ये चुनाव हम सबको एक बार पुनः बिना भेदभाव के, भारतीय जनता पार्टी ने आपके अनुसार प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना है। पूरा देश, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, गांव हो या शहर, हर जगह एक ही नारा है और एक ही भाव है, मोदी मोदी का। पूरे देश के अंदर एक भाव है, महिला हो या बुजुर्ग, नौजवान हो या फिर किसी भी उम्र का हर व्यक्ति एक ही बात को लेकर के चल रहा है, और वह है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अच्छी दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है, और नए भारत के लिए मोदी मोदी जो पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, गांव में, शहर में, महिला हो, बालिका हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, नौकरी पेशा हो, मजदूर हो या फिर चौकीदार ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति इस बात का एहसास कर रहा है कि मोदी मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यह देश एक नई यात्रा में निकल चुका है। दुनिया की महाशक्ति बनने की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सबसे कहूंगा कि भाइयों बहनों, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, इन सब के लिए जो कार्य नामुमकिन होता था वह कार्य आज मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो मेरे साथ एक बार आप सही बोलेंगे, क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो। मैं एक बार फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश 74 पार, आप सब फिर बोलेंगे फिर एक बार मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश 74 पार फिर एक बार मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।